हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे, जय निताई। श्री हरि नाम प्रेस वृंदावन आपका हार्दिक स्वागत करता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अवश्य शेयर करें। साधुवाद प्रणाम। जय श्री राधे, जय निताई। जय श्री राधे। प्रभु जी, मैं कपूरथला से शशि बोल रही हूँ। प्रभु जी, जिस प्रकार आपने जन्माष्टमी उत्सव पे घर में जन्माष्टमी कैसे मनाएं, अभिषेक कैसे कराएं, कौन से रंग की पोशाक पहनाएं ठाकुर जी को, उसका समाधान किया था, ऐसे ही कृपा करके राधा अष्टमी में अभिषेक कैसे कराएं, कौन से कलर की राधा रानी को ड्रेस पहनाएं या कौन सा कोई स्पेशल प्रकार का भोग लगाएं, कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान। जय श्री राधे। राधाष्टमी आ रही है, अभी आपने जन्माष्टमी मनाई, राधाष्टमी भी मनाएं। राधा जी का स्वरूप आप जानते ही हैं कि राधा जी श्री कृष्ण की आराधनी शक्ति है। कृष्ण आनंद स्वरूप हैं और आनंद देने वाली जो शक्ति है वो प्रिया जी हैं। प्रिया जी को सबसे अधिक प्रिय श्री कृष्ण हैं और श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय प्रिया जी हैं, श्री राधा जी हैं। राधा और कृष्ण अलग अलग भी हैं और वैसे एक ही हैं। जैसे बल और बलवान को अलग नहीं किया जा सकता, और बल अलग चीज है, बलवान अलग चीज है। बल सॉफ्टवेयर है, बलवान हार्डवेयर है। ऐसे ही प्रिया प्रीतम एक ही है। अब प्रिया जी की, राधा जी की अष्टमी, राधा जी का आविर्भाव दिवस आ रहा है। राधाष्टमी आप मनाएं। राधा जी की कथा आपको मालूम ही है कि वृषभानु जी के बरसाने में या रावल में प्रिया जी एक कमल के फूल पर अंगूठे जितनी आकार की बहती हुई आई, और वृषभानु जी ने देखा कि कमल के ऊपर कुछ ऐसे हलचल सी है, उन्होंने कमल को उठा लिया। कमता है तो जब राजा लोग थे तो उनके अनेक थे, तो इस विषय में संशय नहीं करना चाहिए कि बरसाना या रावल। रावल में जन्म हुआ और बरसाना में भी उनका महल था, बरसाना में लीलाएं की, बरसाना में आए गए। जैसे भगवान कृष्ण का गोकुल में मथुरा में जन्म हुआ और गोकुल में पालन हुआ, तो राधाष्टमी का उत्सव मनाएं। प्रिया जी का पंचामृत से अभिषेक करें। आप चाहें तो भगवान श्री कृष्ण का भी अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही प्राण, एक प्राण दो देह है, कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण जी का क्यों करें, नहीं, कृष्ण जी का भी करें। कृष्ण जी को करने से प्रिया जी प्रसन्न होंगी, प्रिया जी का करने से राधा जी प्रसन्न होंगी, और एक ही प्राण है, एक ही दो देह हैं। तो उनका पंचामृत से दूध, दही, घी, बूरा, शहद, इनसे अभिषेक करें प्रातःकाल। और हमारे यहाँ तो सात्विक प्रसाद है, खीर, खीर का भोग लगाएं, अच्छे अच्छे पदार्थ उनको भोग लगाएं, लेकिन सात्विक, तामसिक नहीं, राजसिक नहीं, बाजार से खरीदे हुए नहीं, कोशिश करके घर में बनाए हुए। कोई एक आध मिठाई बाजार से ला सकते हैं। भोग लगाएं, संकीर्तन करें, राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, संकीर्तन करें, राधा राधा जप करें, महामंत्र का जप करें। और व्रत की स्थिति यह है कि व्रत आप चाहें तो वो अभिषेक तक रख सकते हैं, अभिषेक तक आप निराहार रहें, और अभिषेक के बाद में आप पंचामृत का जल लेके और व्रत को तोड़ सकते हैं। फलाहार का व्रत भी रख सकते हैं, निर्जल व्रत भी रख सकते हैं, जैसा आप चाहें। इसमें व्रत पर कोई बहुत अधिक जोर नहीं है, जोर है कि आपकी कनेक्टिविटी प्रिया जी से, ठाकुर जी से बनी रहे दिन भर।
आपके मन में उत्साह बना रहे, आपके मन में ये ना बना रहे कि यार सवेरे तो खीर खा ली थी, अब दोपहर को क्या खाना है यार, दोपहर के लिए ऐसा करते हैं वहां से लेके आते हैं और बाइक उठा के आप 4 किलोमीटर दूर से कोई चीज लेने जा रहे हैं। तो इसका मतलब आपकी वृत्ति भोजन में लगी हुई है, आपकी भोजी वृत्ति भजन में नहीं लगी हुई है। राधाष्टमी या ये इन उत्सवों का एक ही कारण है कि हम सब कुछ भूल के, बाकी जो काम है वो बीच बीच में होते रहे, सब कुछ भूल के हमारी वृत्ति भजन में लगे, हमारी वृत्ति आज प्रिया जी के चरणों में लगी रहे दिन भर, ये आनंद बना रहे। हाँ, आज तो हमारी प्रिया जी का जन्मदिन है, आज तो हमारी प्रिया जी ने जन्म लिया था, आज तो बरसाने में आनंद हो रहा होगा, आज तो वृंदावन में आनंद हो रहा होगा, आज तो वृंदावन में सवारी निकलेगी, आज तो राधा जी का जन्म हुआ होगा, आज राधा जी देखो कैसे कमल पर छोटी सी बन के आई, आज तो हम भजन करेंगे राधा 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 राधा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र में दोनों शक्तियां हैं, हरे बोलते हैं तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं और राधा बोल कृष्ण बोलते हैं तो प्रिया जी प्रसन्न होती है। तो प्रिया प्रीतम दोनों को ही हमें प्रसन्न रखना है, हमारे उपास्य कृष्ण ही हैं, कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय क्योंकि राधा है, इसलिए हम राधा की दासी बन के कृष्ण को प्रसन्न बनने का करने का प्रयास करते हैं। और जैसा गुरु परंपरा में जैसे होता हो किसी भी प्रकार जैसे, क्योंकि ये भाव राज्य है, इसमें विधि का बहुत अधिक महत्व नहीं है, विधि का पालन करना है, निषेधों से दूर रहना है, लेकिन फिर भी भाव राज्य है, भाव से जैसे भी हमारी प्रिया जी की उपासना हो वैसे हम करें। कोई स्पेशल भोग लगाने की बात नहीं है, आपके ठाकुर को आपको कभी प्रतीति हुई हो कि प्रिया जी को कुछ अच्छा लगता है, लेकिन सात्विक दूध दही खीर आदि का भोग हो, ये अटपटे चटपटे पदार्थ ठाकुर को भोग न लगाए जाए तो अच्छा हो। स्पेशल कलर की ड्रेस में आप प्रिया जी की नीले कलर की ड्रेस है और ठाकुर की पीले कलर की पीतांबर और नीलांबर, और आप जानते हैं कि प्रिया जी नीले रंग की ड्रेस क्यों पहनती हैं, क्योंकि कृष्ण जी का रंग नीला है, श्याम नील श्याम वर्ण है, और प्रिया जी तो नीला पहनती हैं और श्याम सुंदर पीला क्यों पहनते हैं, क्योंकि प्रिया जी का रंग स्वर्ण जैसा पीला है, तो इसलिए एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए एक दूसरे के रंगों के वस्त्र धारण करते हैं। तो आप भी इसी प्रकार से वस्त्र धारण कराएं, मुरली धारण कराएं, मुकुट धारण कराएं, हो सके कोई नया श्रृंगार ला के धारण कराएं। श्रृंगार में भी ध्यान करें कि चमक दमक आर्टिफिशियल थी बाहर की, ऐसा ड्रेस जो चुभे अंदर से ठाकुर जी को, ऐसा ना, सात्विक शांत। और सबसे बड़ी सेवा पूजा विग्रह में चार चीजों की बात कही गई है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र माने तुलसी पत्र, फल माने फल सेब अनार केला आदि, तोयम माने जल, पत्रम पुष्पम फलम तोयम और पुष्पम, पुष्पम माने ताजे फूलों की माला, आप बढ़िया भाव से सरल सुंदर अच्छी, और सबसे महत्वपूर्ण है श्री विग्रह की पुष्पों से सेवा करना, कुछ भी करके कहीं से भी मेहनत करके पुष्प लाए जाएं, गुलाब के पुष्प लाए जाएं, गेंदा के पुष्प लाए जाएं, दूसरे विदेशी पुष्प लाए जाएं, और पुष्पों से ठाकुर को रोज सेवा की जाए, पुष्पों की माला पहनाई जाए, पुष्प उनके चरणों में रखे जाए, पुष्प इर्द गिर्द हों, पूरे उनके मंदिर को पुष्पों से सजाया जाए, फिर आप आनंद देखिए, फिर ठाकुर का आनंद देखिए। पुष्प बहुत आवश्यक तत्व है, जल तो हम देते ही हैं, फल भी जरूर रखें, कुछ लोग फल नहीं देते हैं, फल जरूर, कुछ ना कुछ फल रोज ठाकुर को भोग रखना चाहिए। और पत्र माने तुलसी पत्र, आजकल तो बरसात है तुलसी बहुत है, तुलसी का चयन करके गुच्छे में, तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, तुलसी का पूरा गुच्छा तोड़ा जाता है, जहां दो पत्ते साइड में होते हैं, एक बीच में होता है, छोटी सी मंजरी होती है, उस पूरे गुच्छे को तोड़ा जाता है, उस गुच्छे का चयन करके और वो गुच्छे ठाकुर जी के चरणों में दिए जाते हैं, और प्रिया जी के चरण में नहीं दिए जाते हैं, प्रिया जी के हाथ में दी जाती है तुलसी, जिससे प्रिया जी उस तुलसी को ठाकुर के चरणों में समर्पण कर पाए। तुलसी का श्रृंगार अवश्य होना चाहिए, आजकल तुलसी बहुत है तो तुलसी चरणों में रख दी जाए, तुलसी की छोटी सी माला पहना दी जाए, और नहीं तो मंदिर में तुलसी और पुष्प से मंदिर को सजा दिया जाए, तो इससे सेवा में मन भी लगता है और सेवा में समय भी लगता है। तो राधाष्टमी को आप विशेषकर पुष्पों से और तुलसी से सजाएं, फल का भोग लगाएं और ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराएं। व्रत का जैसा आपका मन करे, कोई बंधन नहीं है, जैसा आप चाहें वैसा व्रत रखें।
निर्जल रखें, अन्न से रखें, फल से रखें, कैसे रखें, खाने पर मेरी दृष्टि खाने पर कभी भी जोर नहीं है, भजन पर जोर है, कनेक्टिविटी पर जोर है, स्मृति पर जोर है, भगवान से स्मृति बनी रहे, भगवान का ध्यान बना रहे। खाओ, रजोगुणी तमोगुणी ना खाओ जिससे भजन में मन ना लगे, क्योंकि रजोगुणी खाएंगे तो वो चंचलता पैदा करेगा, मन चंचल होगा, भजन में कहां से लगेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा। इस प्रकार मौज से श्री राधाष्टमी का उत्सव करें, राधाष्टमी मनाएं, ठाकुर को प्रसन्न करें और जोर से गाए राधे रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय, जय जय राधे रानी की जय, महारानी की जय।